हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है लास्ट वीडियो में कंसेप्ट फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब सेकंड एक्सरसाइज में हमारे दो कंसेप्ट है, एक सेक्शन फार्मूला है और एक होता है मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में जब भी हमें रेशियो फाइंड करना होता है या रेशियो गिवन होता है तो हम सेक्शन फार्मूला का अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो सपोज करो हमारे एक लाइन दे रखी है जिसकी कोऑर्डिनेट x1y1 और x2y2 है, एक और पॉइंट xy है उसको m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो रेशियो में डिवाइड करते हैं तो x का फार्मूला होता है mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। एक्स का फॉर्मूला कितना आता है mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। वाई का फॉर्मूला कितना होता है my2 प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। क्लियर, एक्स का फॉर्मूला कितना होता है mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, वाई का फॉर्मूला होता है my2 प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। क्लियर, ये फॉर्मूला भी याद करना है। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई किसी रेशियो में किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है तो एक्स का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, वाई का फॉर्मूला आएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू को पॉइंट अगर एक्स वाई डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली मिड बिटवीन, तो एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई का होता है वाई वन प्लस वाई टू अपॉन। जब भी हमें रेशियो गिवन होगा ये रेशियो फाइंड करना होगा तो हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। नोट इट डाउन दीज टू फॉर्मूलास, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। करें स्टार्ट अप एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7.2 ज़्यादा बड़ी हैवी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.2 में सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला है, थर्ड एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्रायंगल है, चैप्टर खत्म। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 7.2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। इसमें दे रखा है -1, 7 एंड 4, -3। हमें एक ऐसे कोऑर्डिनेट निकालना है px, y जो इस दो पॉइंटों को 2:3 में डिवाइड करता है, ये ए है ये बी। तो सेक्शन फॉर्मूला से निकलेगा रेशियो दे रखा है, एक्स का फॉर्मूला आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन एम प्लस एन, एक्स कितना है m कितना है 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन 2 + 3 mx2 m × x2 n × x1 अपॉन एम प्लस 2 × 4 = 8 − 3 / 5 तो आएगा 5/5, तो x कितना आ गया 1, y इक्वल टू आएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एम कितना है 2 × 3 = 7 अपॉन एम प्लस एन 2 + 3 तो आएगा −6 + 7 = 21/5 15/5 कितना आ गया 3, कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1, 3। क्लियर, रेशियो गिवन था हमें पॉइंट फाइंड करने थे, तो रेशियो जब भी गिवन हो या रेशियो फाइंड आउट करना हो तो हम किसका फॉर्म यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो एक पॉइंट दे रखा था हमें a − 1, 7 बी दे रखा था 4, -3 इसको कोई पॉइंट पी एक्स वाई इसको 2:3 में डिवाइड करना है, पी के कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स का फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन एम प्लस एन, एम कितना है 2, x2 कितना है 4 प्लस एन कितना है 3, x1 − 1 अपॉन 2 + 3 5/5 बना के वाई प्लस टू कितना है एम वाई टू 2 × −3 + 3 × 7 अपॉन 2 + 3 −6 + 21 अपॉन 5 कितना आ गया 3, कोऑर्डिनेट आ गया 1, 3। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। अब ट्राई सेक्शन है, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो रेशियो का ही फॉर्मूला लगेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ये ए है ये बी है पी और क्यू, इसको 1:1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 1:1:1 में डिवाइड कर रहा है तो हम कह लेंगे रेशियो। जब पी के कॉन्टेक्ट निकालेंगे तो हम रेशियो लेंगे 1:2,
जब हम क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो रेशियो कितना लेंगे, 1:2:1। देखो ए के कोऑर्डिनेट कितने हमारे 4, -1, बी के कोऑर्डिनेट कितने -2, -1। पहले मैं पी के कोऑर्डिनेट निकालूँ तो पी का रेशियो कितना है 1, ये पूरा पार्ट 2 हो जाएगा तो 1:2 आएगा, मतलब x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा, m1 और n कितना आएगा 2। जब क्यू के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो इसको 2 मानूंगा तो रेशियो कितना आएगा 2:1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना फिलहाल में, कोऑर्डिनेट ऑफ पी तो आएगा x = mx2 + nx1 / m+1। m कितना आ गया 1 × -2 + 2 × 4 / 1+2 -2 × 2 = 8 / 3 कितना आ गया 2। 6/2 कितना आएगा 3/2। y = कितना होगा m/2 + ny1 / m+1। m कितना आ गया 1 - 3 2 × -1 / 1+2 -3 - 2 कितना आ गया -5/3। तो p के कोऑर्डिनेट हमारे 2, -5/3, ये p के कोऑर्डिनेट आ गए 2, -5/3। क्लियर है यहाँ तक? x1 था वो 4, -1, ये इधर रखा था x2/2। p के कोऑर्डिनेट निकालने तो ट्राई सेक्शन में 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, 1:1:1। p के कोऑर्डिनेट निकालते हुए इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे, तो 1:2 लेंगे p के कोऑर्डिनेट। अब q के कोऑर्डिनेट निकालने, तो q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये कितना पार्ट होगा 2 पार्ट होगा, और ये कितना पार्ट होगा 1। तो q के रेशियो निकालते हो हम, रेशियो लेंगे 2:1। कोऑर्डिनेट x1 y1 सेम आएगा 4, -1। b के कोऑर्डिनेट आएंगे -2, -3। q का जो कोऑर्डिनेट निकालोगे तो रेशियो कितना होगा 2:1। क्लियर? कितना आएगा रेशियो 2:1। x का फॉर्मूला क्या लगेगा, mx2 + nx1 / m+1। m कितना है 2 × x2 - 2 + n कितना है 1। x1 कितना है 4 / m+1 2 + 1। x कितना आ गया -4 + 4 = 0.3। तो कितना आ गया 0। ऐसे y निकालेंगे, y कितना है m/2 / (ny1) / (m+1) - 6 - 1 - 7/3। तो q के कोऑर्डिनेट कितना है 0, -7। ये q के कोऑर्डिनेट आ गए, ये p के कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर? ए बी को कोई 2.3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1:1, 1:1। p के कोऑर्डिनेट निकालने तो रेशो 1:2 लिया, सेक्शन फॉर्म लगाया। q के कोऑर्डिनेट निकालने तो रेशो कितना लिया 2:1, सेक्शन फॉर्म लगाया। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन नंबर 200 के क्वेश्चन नंबर 2 दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ए बी सी डी लाइन, हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट डिस्टेंस 1 मीटर ईच, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, ए डी एज शोन इन फिगर, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए डी। तो ए डी कितना है हमारा, कितने फ्लावर पॉट्स हैं, 100 फ्लावर पॉट्स हैं, तो 1/4 का 100 का 1/4 कितना होगा 25। एंड डन ऑन द सेकेंड लाइन, तो निहारिका सेकेंड नंबर लाइन के मूव कर रही है, तो निहारिका का कोऑर्डिनेट है 2, 1/4 ऑफ 100। ये निहारिका के कोऑर्डिनेट है,
2,25। ठीक है, निहारिका के बाद कौन है, प्रीत, रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। तो उसके प्रीत के कोऑर्डिनेट आएंगे 8th लाइन पे रोटेट कर दिए, तो प्रीत आएगी 8 1/2 ऑफ 1/5 ऑफ 100। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 8,20। निहारिका का कोऑर्डिनेट आ गए, निहारिका नंबर 2 की लाइन पे रोटेट कर दिए, तो निहारिका का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2। निहारिका एडी पे 1/4 मूव करी है, तो एडी आपका 100 है, तो 1/4 ऑफ 100 कितना आ गया 25। प्रीत आपका जो है 8 नंबर के लिए रोटेट कर लिए 8, 100 का 1/5 है, तो कितना आ गया 8,20। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग, दो फ्लैग के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, इफ रश्मि टू हैज टू पोस्ट अ फ्लैग ब्लू एग्जैक्टली बिटवीन हाफ वे द बिटवीन द लाइन सेगमेंट एनी वेयर शुड ही शुड, बिल्कुल बिटवीन में, तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। पहले तो डिस्टेंस निकाल देते हैं, डिस्टेंस निकलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 - x1 2² + y2 - y1 2² x2 कितना है 8 - 2² 2 - 25 - 25 8 - 2 कितना है 6 6 + 25 कितना आ जाएगा 41 51 61। ये तो निहारिका और प्रीत के बीच की क्या गई डिस्टेंस है 61। उसके बाद उसने उससे हमने पूछा कि फ्लैग कहाँ पोस्ट करेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड वे फ्लैग, कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग, क्योंकि बिल्कुल बीच में पोस्ट करे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला चेंज होगा, x2 = 2 2 + 8 / 2 10 / 2 कितना आएगा 5 y कितना है y1 + y2 = 45 / 2 कितना आएगा 22.5। निहारिका जो थी नंबर 2 की लाइन पे रोटेट कर रही थी, तो x के कोऑर्डिनेट 2 हो गए, वो AD पे 1/4 मूव कर रही थी, 1/4 तो AD कितना आ गया 24। प्रीड 8 नंबर की लाइन पे मूव कर रही है, तो x की 8 आ गई, 1/5 मूव करी है, तो 1/5 ऑफ 100 कितना आ गया 20। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दी। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग निकालने हैं बिल्कुल बीच में, तो कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, x = x1 + x2 / 2 y = y1 + y2 / 2। तो ये किसी को पॉइंट्स आ गए कोऑर्डिनेट फ्लैग के, जहाँ वो पोस्ट करें, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है। क्वेश्चन में फोर्थ में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट ड्राइविंग द पॉइंट -3,10 and 6,-8। कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको, -1,6। किसी भी एक से निकल जाएगा, चाहे एक्स से निकाल लो चाहे वाई से निकाल लो, दोनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें केवल डिस्टेंस फॉर्मूला से रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला ले, x = mx2, इसको के रेशियो वन मान लो या m रेशियो n मान लो, m रेशियो n, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2, ये x और ये y, चाहे x का फॉर्मूला का तो चाहे बन गया, x = कितना है mx2 + nx1 अपॉन m+n, x कितना है -3, m × 6, n × -3 अपॉन m+n, रहेगा -3m - 3m, 6m - 3m, -7m = -3m + n, -7m = -2m + n, m/n कितना आ गया, m के नीचे n आएगा, 2 के नीचे 7 आएगा, m रेशियो n कितना आ गया 2 रेशियो 7। देखो सिंपल, हमने क्या करा, हमारे को एक पॉइंट दे रखे x और y वाली, x को y, ये वाला पॉइंट इन दो पॉइंटों को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो फाइंड करना है, मैंने रेशियो मान लिया, m रेशियो कितना है n, x की वैल्यू कितनी है -1, m × x2 6, n × -3 अपॉन m+n, -m - n = 6m - 3m, -m - 6m, -7m हो गया, उधर जाके प्लस का हो गया, -7m = -2n,
माइनस से माइनस कटा, एम अपॉन एन कितना आ गया 2/7, एम रेशियो एन कितना आ गया 2:7। तो आपको मैंने आपको सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करा दिया, नेट पेंट फार्मूला बता दिया। हाँ कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 4 तो फिक्स है 7.2। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर, थैंक यू।